प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए कुछ ही नहीं कर पाई, लेकिन मौसम में आए इस बदलाव ने प्रदूषण को कुछ हद तक कम जरूर किया है। दिल्ली एनसीआर में देर रात से हुई हल्की बूंदाबांदी के चलते आज लोगों को हवा में कुछ हद तक साफ हवा मिली है। आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, लेकिन इन दोनों तस्वीरों की तारीखों में फर्क है और ये फर्क सिर्फ दो दिन का है। एक तस्वीर आज से दो दिन पहले की है, जब दिल्ली एनसीआर वाले प्रदूषण से परेशान थे, तो वहीं दूसरी तस्वीर आज की है। सरकार तो प्रदूषण पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई, लेकिन मौसम की मेहरबानी से प्रदूषण कुछ हद तक दूर हो गया। दो दिन पहले प्रदूषण बढ़ने से लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। प्रदूषण इस कदर बढ़ चुका था कि देश की राजधानी दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किरकिरी तक हुई थी, लेकिन सरकार नींद से नहीं जागी। ना तो प्रदूषण को लेकर सरकार की तरफ से कोई कोशिश की गई और ना ही ऑड इवन लागू करने की सरकार ने जरूरत समझी। सरकार को करना भी क्या है, खराब हवा में सांस लेकर जनता के फेफड़े खराब हों तो उसे इससे क्या लेना। प्रदूषण से बीमारियां हों लेकिन इन्हें क्या लेना, ये तो सरकार है, इन्हें जनता की परेशानी से भला क्या सरोकार। खैर, सरकार तो नहीं जागी, लेकिन मौसम की थोड़ी बहुत मेहरबानी दिल्ली वालों पर हो गई। कल रात दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, सुबह तेज हवाएं चली जिससे प्रदूषण कुछ हद तक कम हुआ। शुद्ध हवा तो नहीं, लेकिन कम से कम दिल्ली की जनता को साफ हवा तो मिली। अब ये तो हर साल की कहानी है, मार जनता पर ही पड़नी है। प्रदूषण का रोना हर साल होगा, हर साल सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद की आगोश में चली जाएगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि किस्मत हर बार अच्छी हो, हर बार बदरा बरसे और दिल्ली वालों को राहत मिल पाए। ये ओखी तूफान का ही असर है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम में काफी बदलाव देखने को आया है और पॉल्यूशन काफी छट गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर की किस्मत हर बार इतनी मेहरबान नहीं रहेगी, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि सरकार को जमीनी स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है, ना कि मौसम के भरोसे रहने की। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ जिंदर चौहान, टोटल न्यूज दिल्ली। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा हो सकता है और मौसम विभाग के मुताबिक मौसम साफ रहेगा और हवा की गति बनी रहेगी, साथ ही अगले हफ्ते बारिश के भी आसार हैं। मौसम विभाग के विशेषज्ञ से बात की टोटल न्यूज संवाददाता पूजा राठौर शर्मा ने। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लेवल में लगातार कमी हो रही है और अगले हफ्ते बारिश होने की संभावना है, और जिसका नतीजा ये होगा कि कहीं ना कहीं भी हमें इस प्रदूषण से छुटकारा भी मिल सकता है। तो क्या स्थिति है फिलहाल ताजा, और आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने वाली है, मौसम में किस तरह का बदलाव होगा, आइए जानते हैं। मेरे साथ हैं मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव जी। सर, मैं जानना चाहूंगी आपसे, फिलहाल हम जिस तरह से देख रहे हैं कि पॉल्यूशन का जो लेवल है हवा में वो कम होता जा रहा है, क्या वजह आप इसके पीछे देख रहे हैं? अभी हम लोग देखते हैं कि जो रेनफॉल हुई है पिछले दो दिनों में, मोस्टली जो आपकी राजस्थान के ऊपर रेनफॉल हुई है और हरियाणा में रेनफॉल हुई है, और आप रात में दिल्ली में भी कुछ रेनफॉल हुई है। इसके साथ ही साथ हमारे पास स्ट्रांग विंड्स भी चल रही हैं, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चल रही हैं, जो कि लगभग 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी गई थी कल। तो इसकी वजह से जो पॉल्यूशन डिस्पर्स हुआ है और बारिश की वजह से सेटल डाउन हुआ है, तो एयर क्वालिटी में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है जी। सर, आगे जिस तरह से संभावना जताई जा रही है कि अगले हफ्ते बारिश भी हो सकती है। हाँ, एक पश्चिमी विक्षोभ जिसे वेस्टर्न डिस्टर्ब कहते हैं, वो हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इफेक्ट करने जा रहा है, तो जिसके एसोसिएशन में हमारे पास 11 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जो कि मुख्यतः आप इसमें देख सकते हैं मैप में, और राजस्थान में होगी, पूरे राजस्थान को कवर करेगी वाइड स्प्रेड एरिया में। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो हमारा हिमालय रीजन है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो वहाँ पर पूरे एरिया में बारिश होने की संभावना है, और जम्मू कश्मीर के कई एरिया में, कुछ एरिया में आप देख सकते हैं कि हैवी रेनफॉल या स्नोफॉल भी 12 तारीख को 11 और 12 में हो सकती है। साथ ही साथ इसके बाद आप देखते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और वेस्ट यूपी में भी रेनफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। यानी सर, ये कहें कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को जिस बारिश का इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म होगा। हाँ, फिलहाल अब यही लग रहा है कि बारिश ही अच्छी होने की संभावना है, कुछ अमाउंट ज़्यादा होगा और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होगा, तो जो जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, तो ये वो हमारे नज़दीक है। सर, तापमान में भारी गिरावट हो सकती है? तापमान में फिलहाल अभी चूंकि WD आता है, तो उसके एसोसिएशन में टेम्परेचर राइज करते हैं, तो अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में टेम्परेचर हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 2 से 3 डिग्री राइज करेंगे, और उसके बाद
ये टेम्परेचर फॉल करने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अगले 48 घंटों के बाद। जी, और सर क्योंकि बारिश होगी तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रदूषण से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर जब बारिश होती है तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो आपके सेटल डाउन होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से पॉल्यूशन में लेवल में काफ़ी कमी आने की संभावना है। चलिए, तो एक बहुत बड़ी राहत यहाँ दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कही जा सकती है। आने वाले दिनों में जिस तरह से तेज हवाएं चल रही है उसका असर ये है कि पॉल्यूशन के लेवल में कमी आई है और अगले हफ्ते बारिश जरूर हमें इस पॉल्यूशन से छुटकारा दिला सकेगी। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ पूजा राठौर, शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।